गुरु का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं अज्जू आप लोगों का। दोस्तों इस गेट के पीछे बहुत सारे खूंखार बहुत क्यूट क्यूट से डॉग्स हैं, ठीक है। रोटवीलर, साइबेरियन हस्की, पग जैसे सारे डॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। हमारे हैं द पेट ग्लोब रानी अहमदाबाद, जिसको हम VRS केनल कहते हैं। हमने उनका नाम VRS केनल रखा है क्योंकि यहाँ के जो ओनर हैं उनका नाम है वर्षा मैडम, तो आप वर्षा मैडम को कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज जल्दी से शुरू करते हैं आप लोगों से, मुझे पता है रहा नहीं जा रहा है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन से डॉग्स हैं। तो इस लोहे के गेट के बाहर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रॉटवीलर भाई साहब आ गए, ठीक है। और सभी डॉग्स को दोस्तों मैडम जो है अकेली संभालते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरी केनल को बनाया हुआ है, पूरे बाड़ों को बनाया हुआ है। और ये छोटा सा पग देखिए, ये देखिए छोटा पैकेट, ठीक है। साइबेरियन हस्की की क्वालिटी देखिए दोस्तों, जबरदस्त क्वालिटी है। तो दोस्तों वो पेट ग्लोब, द पेट ग्लोब राइट मैम, वर्षा मैडम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें आज लेके आया हूँ। पहली चीज़, यहाँ पर आपको हर किस्म का पपी मिल जाएगा। डॉग को हम अंदर जाके भी देखेंगे, आपको लिए मैं अपनी जान जो है खतरे में डालूंगा और अंदर जाऊँगा, ठीक है। और दिखाऊंगा ये सारे डॉग्स, बहुत फ्रेंडली है। आप लोगों को लग रहा है कि ये इतने डरावने हैं लेकिन बहुत फ्रेंडली है। देखिए भाई, एक तो हमारे सामने खुला हुआ है, ठीक है। और ये कितने छोटे से दूसरी ब्रीड के डॉग के साथ फेमिलियर है। तो ये आपकी ट्रेनिंग के ऊपर जाता है, आप किस तरीके से डॉग को रखते हैं। तो पपीज मिल जाएंगे और डॉग हॉस्टेलिंग भी अहमदाबाद वालों के लिए, डॉग हॉस्टेलिंग भी दोस्तों हो जाएगी बहुत रिजनेबल रेट्स में। तो मैडम से थोड़ी देर में मैं बात करता हूँ इस सारी कंडीशंस के ऊपर। और आपको अगर स्टडिंग करवाना है तो इनके पास रोटवीलर के मेल पपी है, मेल है, और साइबेरियन हस्की है और पोमेरेनियन है, ठीक है, जिसको इंडियन स्पिट्स कहते हैं दोस्तों हम, ठीक है, जो प्योर इंडियन ब्रीड है। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है मैडम से मेरी जानने को मिला, देखिए ब्लैक तो ये भी है, ब्लैक तो वो भी है, लेकिन ये जो पग वाली जो छोटी सी फीमेल है ना, वो कल शाम को पूना से आई है और सारे डॉग जो हैं इसके साथ खेल रहे हैं और इसके साथ अकोमोडेट हो गए। तो आप मैडम की ट्रेनिंग सोच सकते हैं कि किस लेवल की इनकी ट्रेनिंग है। और आपका डॉग भी यहाँ हॉस्टेलिंग में रहेगा, ठीक है, और अहमदाबाद में सबसे बेस्ट सर्विस में आपको डॉग मिलेंगे, मतलब हॉस्टेलिंग में मिलेंगे, ठीक है। तो आप मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। ओके दोस्तों, सुबह 10 से रात को 4-8 सवारे 10-12 अने सांजे 4-8। दोस्तों दोपहर को कॉल मत करिएगा, 4-8 बजे के बीच में, और सुबह जो है 10-12 के बीच में कॉल करिएगा, ठीक है। वर्षा मैम एक बार अपने नंबर बोल दीजिए आप। 7874905032। ओके, तो दोस्तों नंबर भी हमने आप लोगों को बता दिए हैं। बहुत मेरे को रिक्वेस्ट रहती है कि यहाँ के वीडियोस आप अपडेट लाइए, लेकिन जो है ये केनल काफ़ी दूर है मेरे घर से, ठीक है। चलिए दोस्तों अंदर चलेंगे। दोस्तों वर्षा मैडम का एक रिक्वायरमेंट है कि जिनको 100 क्वालिटी में रोटवीलर चाहिए वो कॉन्टेक्ट करें, पपीज में ना। हाँ, पपीज। ओके, पपीज और बड़े दोनों में, ओके, क्योंकि ओके प्योर क्वालिटी विथ KCI रजिस्टर्ड ना। तो दोस्तों हाँ दोस्तों, पपी रजिस्ट्रेशन का जो है चार्ज रहता है, तो वो आप करवा लीजिए तो बेटर रहेगा। लेकिन इनकी माँ बाप की इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको यहाँ से दे दी जाएगी, और केनल जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो 100 क्वालिटी वाले मिलेंगे, यहाँ पे ऑर्डिनरी या मिक्स या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप प्लीज़ कॉन्टेक्ट इस तरीके के लिए ना करें, क्योंकि थोड़ा सा फिर उसका जो है वो प्राइस रेंज उस तरीके से डिफरेंस रहता है, ठीक है। का नाम जो है मैडम ने बेला रखा हुआ है, और मैम थोड़ा नाम बताइए, मुझे नाम जानने में इंटरेस्ट है, आप बताइए इसमें बताइए। अच्छा, ये बेला है, फीमेल है ये बेल, हाँ, 6 महीने की है। और ये मेल है, हाँ, रॉकी है, रॉटवीलर, हाँ, रॉकी सेल के लिए, हाँ, 18 महीने का है ये, फ्रेंडली है ना, हाँ, फुल फ्रेंडली। और ये पेंजर है, ये भी सेल में, हाँ, ये भी सेल में, ये 2 साल का है, ठीक है। और आप प्रेग्नेंट बता रही थी कि एक है, हाँ, जी ना, ये जो बेल्ट वाली है वो प्रेग्नेंट है, वो अगले महीने पप्पी देगी। तो मैम प्रेग्नेंट होती है तो इनके नेचर में कुछ बदलाव आता है ना?
कोई एग्रेसिवनेस या ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ठीक है, फ्रेंडली रहते हैं, सब कुछ भी नहीं, साथ में रह रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये अपने नाम पे, नाम बुलाने पे कुछ रिएक्ट करते हैं, इनको पता चलता है कि मेरा नाम बुलाया जा रहा है? जेनी, जेनी। हाँ, और ये पोमेरियन भी सेलिंग में है, लोएस्ट प्राइस में है, पोमेरियन सेल में है, ठीक है, एक साल का है। ये सेल्फी है, बिल्ली के चक्कर में ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्ली के चक्कर में सब ऊपर जा रहे हैं दोस्तों। समीर भाई जो वैसे घोड़ों को खेल लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ डॉग से डर रहे हैं, देखिए, ठीक है। लेकिन मैडम को सलाम है कि इतने सारे डॉग्स को एक साथ वो संभाल लेती हैं, और हमने इनको डॉग क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब दिया है, ठीक है। कैसा भी डॉग हो उसको वो अकोमोडेट कर लेते हैं। सबसे ज्यादा डॉग इन्होंने कितने रखे वो इन्हीं की जबान से सुनते हैं। जी मैम, 60-70 रखे, 60-70 एक साथ। और उसमें बड़े बिग साइज डॉग कितने होंगे? सब बड़े ही थे। ओ माय गॉड, आप सोच सकते हैं, बर्नार्ड है, ये सब फ्रेंच मैस्टिफ है, बुल मैस्टिफ है, इंग्लिश मैस्टिफ है, हाँ, डालमेशियन है, सब बड़ी बड़ी रखे हुए हैं, ठीक है। और आपने रोट व्हीलर अभी तो कम कर दिए, पहले बहुत सारे रोट व्हीलर थे आपके पास? नहीं, बंद है। अभी बंद है? ओ दोस्तों, अभी भी पीछे और रोट व्हीलर बंद रखे हैं, ठीक है। तो इतने ही नहीं है रोट व्हीलर, इनके पास और भी हैं, 22-25 है। अच्छा, तो दोस्तों बहुत मजा आता है जब भी यहाँ आता हूँ, बस मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन जब तक वर्षा मैडम है मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओड आइज में है दोस्तों, ओड आइज में मैडम ज्यादा प्राइस हो जाता है इनका, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ओड आइज में है, ब्लू और कॉपर आइज है दोस्तों। और ये मेल भी किसी को चाहिए? ये अपने साइबेरियन्स की तो नहीं देने के ना? दिस आर नॉट फॉर सेल, पपी के लिए, और डिलीवरी नहीं ना अहमदाबाद के अंदर ही? ना, अहमदाबाद के है तो कर सकते हैं, और अगर किसी को चाहिए तो आने जाने का किराया देना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अभी ट्रेन जा रही है, बिल्कुल पटरी के बगल में दोस्तों, पटरी के सामने ही साबरमती रेलवे स्टेशन आप आएंगे, वहां से सीधा आप आएंगे, बिल्कुल साबरमती रेलवे स्टेशन, किसी को पूछिए उसके साथ ही 800 से 900 मीटर ही है, सीधा सीधा आएंगे तो बड़ा सा गेट आपको बाहर की तरफ दिखेगा, ठीक है। और जैसे बाहर पहुंचेंगे आपको थोड़ा सा डॉग्स का आवाज भी आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।